हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 8 मार्च 2022, और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की कैप्टनसी सरप्राइज, चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस कैंप, इसके साथ ही आरआर एमआईएसआरएस सारी टीमों के रिगार्डिंग ही काफ़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही अगर आप लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल शॉर्ट चैनल क्रिकेट नेशन शॉर्ट्स के साथ अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे शॉर्ट चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आप लोगों को 45, 50 या फिर 1 मिनट के अंदर अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलेगा आईपीएल के रिगार्डिंग। ऑलरेडी 2800 लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं और उसके ऊपर आप लोगों को हर रोज एक या फिर दो नए नए शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस चैनल को जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको अगला शॉर्ट अभी से कुछ देर के बाद ही देखने को मिलेगा। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से, जहां पर आरसीबी की टीम की कैप्टनसी ये एक ऐसी चीज अब बन गई है जिसका आईपीएल के फैंस ही नहीं बल्कि सारी टीमें भी वेट कर रही हैं कि आप लोग इतना ज्यादा वेट क्यों कर रहे हो कैप्टनसी के लिए। आरसीबी की टीम ने कहा था कि 24 घंटे में वो अपने कैप्टन को अनाउंस कर देंगे, लेकिन बाद में फिर इनको कुछ ऐसा लगा कि इन्होंने इस चीज को और भी ज्यादा डिले कर दिया है, और इसके रिगार्डिंग एक और अलग चीज इन्होंने की है जिससे और भी ज्यादा ही सरप्राइज बना रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। तो सीएसके की साइड से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि हमने इसी अपडेट के अंदर कंपाइल कर दी हैं, क्योंकि आज और भी सारी काफी सारी अपडेट्स निकल कर आई हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की सबसे पहले आईपीएल 2022 की ऑफिशियल बस जारी हो चुकी है, उसको आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। दूसरी चीज है सीएसके की टीम ने अपनी प्रैक्टिस ऑफिशियली स्टार्ट कर दी है, यानी कि अब एमएसटी भी हमें नेट्स पर नजर आए। इसके साथ ही अंबाती रायडू और उसके साथ ही सीएसके की टीम के सभी बड़े प्लेयर और उनके हेड कोच फाइनली आईपीएल 2022 के लिए अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर चुके हैं। तीसरी अपडेट है कि सीएसके की टीम की जो नई और अपडेटेड जर्सी है वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। लास्ट ईयर तक हमें मुथूट फिनकॉर्प इनके जर्सी के ऊपर देखने को मिलता था, लेकिन इस बार सीएसके की टीम की जर्सी के फ्रंट पर ही आपको टीवीएस का लोगो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जर्सी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले सीएसके की टीम की जर्सी लाइट टाइप की होती थी, लेकिन इस बार हल्का सा शार्पन्ड ये कलर हमें लग रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपके क्वेश्चन को पिक किया जाए, इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं आपको शाउट आउट दिया जाए, आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन पूछा है वेदांत ने, और वेदांत का क्वेश्चन है कि सभी आईपीएल टीमों की जर्सी के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो इसका आंसर ये है कि सभी आईपीएल की जो जर्सियां हैं, जितनी भी आईपीएल टीम है, उनमें से ज्यादातर की जर्सी तो हमारे सामने ऑलरेडी निकल कर आ चुकी है। जैसे कि आरसीबी की टीम अपनी जर्सी जारी कर चुकी है, एसआरएच की नई कार्स 24 वाली जर्सी हमारे सामने आ चुकी है, आरआर की जर्सी आ चुकी है, ऑलमोस्ट सारी ही टीमें अपनी जर्सी जारी कर चुकी हैं, सिवाय दो नई आईपीएल टीमों यानी कि लखनऊ और उनके साथ ही गुजरात की टीमों के अलावा, जिनको अभी भी अपनी जर्सी को आउट करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी बची हुई 8 टीमों की जर्सी हम आपको बताएं, तो वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक ही फोटो में बनाकर दे देंगे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और बाकी दो नई टीमों की जर्सी आती है तो ऑब्वियसली उसकी अपडेट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज आरसीबी की टीम के रिगार्डिंग काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, और ये अपडेट है आरसीबी की टीम अपने फैंस को एक सरप्राइज देने वाली है, जहां पर इन्होंने पोस्ट की कि 12 मार्च को ये अपनी आईपीएल टीम के लिए कोई अनबॉक्स का सरप्राइज लेकर आने वाले हैं, यानी कि कुछ अनबॉक्सिंग ये करेंगे। तो फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उनको लगा कि हो सकता है आरसीबी की टीम अपने कैप्टन की फॉर्मल अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन बाद में इसकी एक्साइटमेंट लेवल थोड़ी सी डाउन हो गई, क्योंकि अगर आप लोग इनके सेकंड वाली पोस्ट देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है कि जो अनबॉक्सिंग है ये कोई इवेंट होने वाला है, और इस इवेंट की उन्होंने लोकेशन भी डाली है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, यानी कि उस प्लेस के ऊपर आपको ये अनबॉक्सिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अब ज़्यादातर लोगों का स्पेकुलेशन यही है कि ये अपने कैप्टन का नाम अनाउंस करने वाले हैं, यानी कि आरसीबी की टीम फाफ डु प्लेसी या फिर उनके साथ ही दिनेश कार्तिक में से किसी एक को अपना कैप्टन अपॉइंट करेगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से शायद हर्षल पटेल को भी आरसीबी की टीम अपना कैप्टन अपॉइंट कर सकती है। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन अभी के हिसाब से फाफ डु प्लेसी ही सबसे टॉप पर चल रहे हैं। 95% ये कन्फर्म है कि फाफ डु प्लेसी को ही आरसीबी की टीम अपनी टीम का नया कैप्टन अपॉइंट करेगी। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आरसीबी का ये अनबॉक्सिंग सरप्राइज जो कि 12 तारीख को आने वाला है ये क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जनरली आईपीएल और भारतीय क्रिकेट टीम
को कवर करते हैं। तो इस मुकाबले के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, दरअसल ये वाकया हुआ कल के मुकाबले में, जब कमेंटेटर्स हमें इस मुकाबले के ज़्यादातर टाइम तक IPL के बारे में ही डिस्कशन करते हुए नजर आए। मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि एक टेस्ट मुकाबला चल रहा है और उसमें बातें हो रही है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की पॉपुलैरिटी की, IPL की सभी टीमों की पॉपुलैरिटी की, और मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। तो ये चीज़ दिखाती है कि IPL कितना ज़्यादा पॉपुलर है, ना सिर्फ प्लेयर्स में बल्कि वो लोग जो कमेंट्री करने भी जाते हैं वो भी IPL की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, जहां पर RR और MI की टीम ऑलमोस्ट हर साल ही CSK की टीम के अलॉन्ग साइड वोटी में होती हैं, जो कि अपने प्रैक्टिस कैंप को काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर देती हैं। और इस बार भी हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि CSK की टीम ने अपने प्रैक्टिस कैंप को स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद अब ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें भी अपने अपने प्रैक्टिस कैंप की डेट को जल्दी ही आपको अनाउंस करते हुए नजर आएंगी। और ऐसे में इनके प्रैक्टिस कैंप में आधे इनके नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ, यानी कि विदेशी प्लेयर्स के बिना ही ये दोनों टीमें अपने अपने प्रैक्टिस कैंप को स्टार्ट कर देंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है डेनियल वेटोरी की तरफ से। डेनियल वेटोरी जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के साथ पास्ट में जुड़े रह चुके हैं एज अ प्लेयर भी और उसके बाद एज अ हेड कोच भी, तो उन्होंने RCB की कैप्टनसी के रिगार्डिंग एक काफ़ी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दी है, जहां पर RCB के ज़्यादातर फैंस चाहते हैं कि अब RCB की टीम ने अगर इतना वेट करवा ही दिया है या फिर इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर ही दिया है तो क्यों ना वो विराट कोहली को वापस से कैप्टन के तौर पर अपॉइंट कर लें, क्योंकि इस मोमेंट पर ऐसा ही लग रहा है कि विराट कोहली RCB के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। लेकिन विराट को हम सभी लोग जानते हैं, एक बार अगर उन्होंने मूव ऑन का डिसीजन ले लिया तो मुश्किल ही है कि वो मानेंगे। और वेटोरी का मानना है कि अगर विराट कोहली ने एक बार रिज़ाइन कर दिया है तो फिर वापस से उनको कैप्टनसी के लिए कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लेयर जब इतना बड़ा डिसीजन लेता है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि उसने काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद ही ये डिसीजन लिया होगा। और ऐसे में अगर आप उनको वापस से कैप्टन बनाओगे तो हो सकता है ये उनके लिए एक तरीके का फोर्सफुल डिसीजन हो जाए और वो एक बार फिर से उसी तरीके की गलतियां करने लग जाएं जो कि एक उस प्लेयर के साथ होती है जो कि उस चीज़ को करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती उससे करवा रहे हो। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या आप लोग विराट कोहली को वापस से RCB की टीम का कैप्टन बनते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारी आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है मिस्टर 360 AB डिविलियर्स की तरफ से, जहां पर कल शाम से ही ये रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही हैं कि AB डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के मेंटोर के साथ जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि RCB की टीम के रिगार्डिंग AB डिविलियर्स ने पहले भी ये स्टेटमेंट दी थी कि RCB के अलावा किसी भी और टीम से खेलने या फिर जुड़ने का वो सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन हालांकि अगर RCB की टीम उन्हें इस तरीके की कोई चीज़ ऑफर करती है तो फिर वो RCB के साथ खुशी खुशी जुड़ जाएंगे, एज अ प्लेयर ना सही लेकिन एज अ मेंटोर वो RCB के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखने वाली बात होगी कि RCB की टीम ये डिसीजन लेती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो AB डिविलियर्स के जितने भी फैंस हैं या फिर RCB के जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा ओकेजन होगा। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल और इसके साथ ही क्रिकेट नेशन शॉर्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।